होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। और 2014 में मुझे एक्चुअली फिशर की प्रॉब्लम हुई थी, एनल फिशर था, तो उसके लिए सर्जरी करवाई थी। उसके बाद कभी कभार जैसे लोअर एरिया में थोड़ा पेन होता था, तो वो धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लग गया। और अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले ही लास्ट ईयर में इतना वो पेन बढ़ गया, उसके साथ में फीवर इतना आना शुरू हो गया कि जब फिर डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि ये पेरिएनल एब्सेस है। तो उसे ड्रेन किया उन्होंने एब्सेस का, तो वो सर्जरी की, देन वो वुंड बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया अच्छे से, दोबारा से पस उसमें से निकलता रहता था। तो फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू डॉक्टर आशीष मनोहर जी का देखा, तो यहाँ पे हमने विजिट किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फिर हमने सर्जरी हुई यहाँ पे, और अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है 3 सिटिंग्स के बाद। टोटल काफ़ी बिगड़ गया था आपका केस, आपको ध्यान होगा तो कैसे। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली बिल्कुल ही लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ गई थी इस चीज़ से कि डेली लाइफ की जो रूटीन वर्क था उसमें भी बैठने उठने में भी दिक्कत थी, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी मैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और फिर कई बार छिल जाता था मुँह, तो वो भी ड्रेसिंग्स वगैरह भी करनी पड़ती थी, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी इसकी वजह से। एंड व्हाट अबाउट जो रास्ते की प्रॉब्लम थी, वो कुछ इम्प्रूव हुई पहले से, जैसे पहले जो शुरू में रहता था। तो अभी तो मुझे एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती नहीं है, कि मुझे लगता है कि बिल्कुल अंदर से हील हो गया है। मैं जितने घंटे भी बैठ जाती हूँ कंफर्टेबली, ट्रैवल भी कर पाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है।